नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग हैं विकास खंड अधिकारी कार्यालय बार के बिल्कुल सामने। दरअसल यहाँ आ जाना इसलिए हुआ क्योंकि जो मेन रोड है वो पूरा ख़राब पड़ा है और सफाई कर्मियों की व्यवस्था जो बिल्कुल यहाँ पर कमज़ोर है। सफाई कर्मी आते नहीं हैं और जिसकी वजह से गंदगी, अभी आप लोग साफ तौर पर मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये गंदगी जो लगातार पूरे बार में इस समय फैली हुई है, लेकिन सफाई कर्मियों का ना तो आना है और ना ही ये लोग यहाँ पर आकर के इस सफाई को करते हैं। तो तमाम जो लोग हैं जो आज इस एप्लीकेशन को देने के लिए विकास खंड अधिकारी महोदय के पास आए थे, उन्होंने लिया। हालांकि ये कहा कि ऑफिशियल तौर पर मैं इस बयान को नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करता, इसके लिए डीएम साहब अलाउ हैं। अब डीएम साहब के पास जाने के लिए हम लोगों के पास ना तो कोई वेतन मिल रहा है ना ही कोई प्रशासनिक पैसा जिसकी दम पर हम लोग डीएम साहब के पास जा सकें। तो दरअसल आप लोगों को दिखाने का केवल इतना हम लोगों का आशय है कि आप लोग भी देखिए कि एक तरफ सरकार के लिए जो ये लोग टैक्स देते हैं, जिस पैसे से पूरे जनता का विकास होता है, आज वही विकास अपने आंसू बहा रहा है। और एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार ये वादा करती है कि हम पूर्ण तरीके से लोगों के बीच हैं और लोगों का विकास कर रहे हैं, तो कम से कम उनका ये वादा यहाँ आकर इन कर्मचारियों के बीच हो चाहे सरकार के बीच, ये फंसा हुआ नज़र आता है। तमाम लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग उस गंदगी से जूझ रहे हैं। और आज यहाँ वीडियो साहब के पास एप्लीकेशन देने के लिए, भैया क्या नाम है? हमारा संजीव पटेरिया। तो संजीव पटेरिया जी, यहाँ क्यों आना हुआ? पिछले कई दिनों से हमारे बार में एक सफाई का ट्रैक्टर चलता था, जो अब 2-3 महीने से वो भी बंद चल रहा है। और ये बारिश के टाइम पे क्या होता है, नालियाँ ब्लॉक हो गई, जो कचड़ा होगा ब्लॉक हो गई, तो कचड़ों पर ये सफाई कर्मी है ये नहीं आते और नालियाँ ब्लॉक हो गई। उस चक्कर में क्या, पानी जो है रोड पर फैल रहा है, इस वजह से काफ़ी समस्या निकलने में हो रही है और आवाजाही में हो रही है। DPRO साहब का जहाँ तक जिक्र है, DPRO साहब ने मना किया, ऐसा अंदर वीडियो साहब ने हम लोगों को बताया कि DPRO साहब ने मना किया है कि ये ग्राम पंचायत है ना कि नगर पंचायत, इस वजह से यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चला सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता। हालांकि वीडियो साहब ने कहा हम बात कर करके बताएंगे। हालांकि कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर कितनी समस्या से वो लोग इस समय जूझ रहे हैं। भैया क्यों आना हुआ यहाँ पर? यही समस्या थी हमारे गांव में, जैसा अभी पटेरिया जी ने बताया कि एक ट्रैक्टर चल रहा था और नाली के ब्लॉकेज की वजह से अब धावन की समस्या हो रही है सड़कों पर, तो इसी के बाबत हम लोग यहां आए थे। और एक और समस्या थी कि हम लोग ये मच्छर की समस्या हो रही है, इसलिए बीमारी बढ़ रही है, तो हम लोग ये मच्छर की दवाई के छिड़काव के लिए भी इधर आए थे कि दवाई के छिड़काव किया जाए, जिससे हम लोग बीमारियों से ज़्यादा बचाव अपना करवा सकें। और ये एक और समस्या इधर थी, ये जो अभी ये जल निगम वाले ये सड़क को खोद के गए, पाइप डाल के गए, लेकिन उसका उन लोगों ने रोड का प्रॉपर पुनर्निर्माण नहीं करवाया, इसके बाबत भी हम लोगों ने अभी BDO साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। तो जहाँ तक मच्छरों का सवाल पैदा होता है, समय मच्छर काट रहे हैं लोगों को, मलेरिया डेंगू तमाम बीमारियां जो हो रही हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी है, लेकिन एक तरफ सरकार जहां ये कहती है कि हम लोग लोगों के बीच हर एक योजना को पहुंचा रहे हैं, तो ये मच्छर आकर के लोगों को जो काट रहे हैं, इनके लिए आने वाली दवाई का आखिर पैसा कौन से मंत्री ने डकार लिया, कौन से BDO ने डकार लिया, या कौन से प्रधान ने डकार लिया, या कौन सा सेक्रेटरी खा गया, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन जब सवाल सरकार के उन लोगों तक पहुंचते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने सवालों से दूरी बनाते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जवाब देने के लिए साफ तौर पर मना करते हैं, ये DM साहब का काम है, ये CDO साहब का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो आप लोग साफ तौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पैसा आया है तो आखिर गया कहाँ। फिलहाल आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RLBAR जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।